नमस्कार, मैं प्यार दोस्तों, मैं सरोज कुमार सिंह छोड़ी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों द प्लेटफॉर्म का यानी रुक्मणी प्रकाशन का करंट अफेयर जो वार्षिकांक है 2022 का, यानी 3 दिसंबर 2021 तक ये अपडेट किया गया बुक है दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में 600 MCQ क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आज हम लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए, यही बुक है दोस्तों जो 3 दिसंबर 2021 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है दोस्तों, और 3 दिसंबर 2021 तक यह बिल्कुल अप टू डेट है। स्टार्ट करने से पहले एक सोहनलाल दोदी जी का एक कोट्स है, जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे। इस कोट्स को हमेशा अपने मन में रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं दोस्तों। इस पॉइंट को आप हमेशा मन में रखिएगा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए दोस्तों। जैसा आपका मेहनत रहेगा और जितनी अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा आप मेहनत कीजिएगा, उतनी ही जल्दी दोस्तों और उतनी ही अच्छा आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी दोस्तों, और बिल्कुल 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। सिर्फ आप मन बना लीजिए दोस्तों और जिद बना लीजिए। सिर्फ आप दो चीज कीजिए दोस्तों, सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में कोई चीज ऐसा नहीं है जिसे बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, इस बुक का ये कंटेंट्स है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स जो 30 सेट 19 प्रश्न दिया गया दोस्तों, जो पेज नंबर 75 से 106 तक में दिया गया है, आज हम लोग दोस्तों इसे शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेगी, आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। भारत के पहले खगोल विज्ञान उपग्रह एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट खगोल विज्ञान के लिए भारत का पहला उपग्रह 28 सितंबर 2015 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसे इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C30 यानी PSLV C30 द्वारा 6 विदेशी उपग्रहों पर लॉन्च किया गया था। एस्ट्रोसेट ने AUDFS-01 के नाम से जाने जाने वाली सबसे दूर की तारा आकाशगंगाओं में से एक से अत्यधिक अल्ट्रावायलेट प्रकाश का पता लगाया था। एस्ट्रोसेट को 6 प्रमुख उपकरणों जैसे स्काई मॉनिटर, एक्सरे, पैरावैग्निक दूरबीनों और विशेष इमेजर सहित वैज्ञानिक पैलोट से लैस किया गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, 21वां SCO शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन आभासी रूप में संपन्न हुआ कहाँ? ये दुशानवे में संपन्न हुआ था दोस्तों, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानवे। 20 सितंबर 2021 को कनाडा में आयोजित संघीय चुनाव में कितने भारतवंशियों ने जीत हासिल की है? 27 भारतवंशियों ने दोस्तों जीत हासिल की है। फुकुतोकु ओकोनोवा ज्वालामुखी में उद्गार का पता किस उपग्रह द्वारा लगाया गया है? ये हिमावारी 8 के द्वारा लगाया गया। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की कितनी मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है? 6 लाख करोड़ रुपये के लगाया गया है। 10 लाख फ्लोवर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण कौन हो गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो गया है दोस्तों। किस राज्य के सिरारा खोंग हेती मिर्च को GI टैग का दर्जा दिया गया है? मणिपुर का है दोस्तों, सिरारा खोंग हेती मिर्च। सितंबर 2021 में जारी वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत का सबसे अमीर शख्स कौन है? मुकेश अंबानी है दोस्तों। किस राज्य के विकाराबाद जिले से मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना प्रारंभ की गई? तेलंगाना से किया गया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है? 2021 से 2030 तक के लिए। सिम्बेक्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था?
दक्षिण या दक्षिणी चीन सागर में हुआ था दोस्तों। किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य द्वारा किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के 10वें मुख्यमंत्री थे, 17वें मुख्यमंत्री थे दोस्तों भूपेंद्र पटेल। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋतिक बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा राजा ऋतिक। वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां राज्य कौन सा है? 6000वां राज्य वह हजारीबाग दोस्तों। फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन हो गया है? ब्रिटेन हो गया है दोस्तों, जो फाइजर बायोएनटेक को कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिया था सबसे पहले। ओडिया लेखिका पारामित याद के पारमिता सतपथी को किस उपन्यास के लिए 42वां सरला पुरस्कार 2021 दिया गया है? ये दिया गया है अभिप्रेत काला के लिए, अभिप्रेत काला। बैटलफील्ड राणा गंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं दोस्तों विश्राम बेडेकर। ई कार शुरू करने वाला प्रथम प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वह है वीवो चितंबरनार, याद रखिए वीवो चितंबरनार। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव है दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने हेतु अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय पैराकेनोइस्ट कौन बने हैं? वो बने हैं दोस्तों प्राची यादव। नेक्स्ट दूसरा सेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद रखिएगा। यूपी सरकार ने राज्य के 75वें जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद ODOP कार्यक्रम शुरू किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना यानी ODOP को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यूपी के हर जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा जिसे उस जिलों की पहचान बनेगी दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, रेल कौशल विकास योजना यानी RKVY के तहत कितने आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे? ये होंगे दोस्तों 18 से 35 वर्ष। भारत में अपराध रिपोर्ट 2020 68वां के अनुसार 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत अपराध वृद्धि दर्ज की गई है? ये की गई है 28%। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सुजलाम अभियान कितने दिनों का अभियान है? तो ये है दोस्तों 100 दिनों का अभियान है। किस राज्य ने कोपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया है? क्या नाम है कोपर महसीर? सिक्किम ने राज्य मछली घोषित किया है दोस्तों, सिक्किम। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 में स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो ये दिया गया सभी को दोस्तों, अहमदाबाद, वाराणसी और रांची को दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया है? तो ये किया गया है दोस्तों महोबा उत्तर प्रदेश से। शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाने हेतु शून्य अभियान की शुरुआत की है, किसने किया है? तो वो किया है दोस्तों, याद रखिएगा, नीति आयोग ने और RMI इंडिया ने दोनों मिलकर किया है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हिमांग लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट हिमांग। नवगठित सहकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? BL वर्मा को नियुक्त किया गया दोस्तों। 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये है चिनाव नदी पर। भारत के विभिन्न स्थानों से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने के लिए PM मोदी ने जनवरी 2021 में कितने नई रेलगाड़ी की को रवाना किया है? तो ये किया है दोस्तों 8। नेक्स्ट, रमनाथपुरम धुदुकुरु कुड़ी तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई क्या है? तो इसकी लंबाई है दोस्तों 1445 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? रमनाथपुरम मतलब धुदुकुड़ी तुतिकोरिन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई है दोस्तों 1445 किलोमीटर। 100वीं किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है? तो ये चलाई गई है संगोला से शालीमार के बीच। उत्तराखंड के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों तीरथ सिंह रावत। चरणथिरी सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी?
तो इसकी क्षमता होगी 382 मेगावाट। भारत प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 प्रथम संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है राजेश के पिल्लानिया के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है दोस्तों 18 अगस्त 2021 को। भारत ने वर्ष 2030 तक कितनी क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है 450 गीगावाट। निम्न में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों, देखिए सभी है। राधिकापुर से बिरोल ये तो है ही दोस्तों, और हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी ये भी है, और पेट्रापोल से बेनापोल ये भी है दोस्तों। कहने का मतलब ये तीनों है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इनमें से सभी होता तो वो हो जाता दोस्तों, यहाँ अगर नहीं होता तब। नेक्स्ट, टाइम 100 सूची 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को किस श्रेणी में नामित किया गया है? तो ये किया गया अग्रदूत के रूप में नामित। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वितरित किए गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किए हैं दोस्तों। इसके बारे में देखिए, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा शिलोंग चैम्बर कॉयर को एक एवं लेखक निरोध याद के क्या नाम है निरोध कुमार बरुआ को गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। क्या है? कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा शिलोंग चैम्बर कॉयर को एवं लेखक निरोध कुमार बरुआ को गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसमें 5 लाख रुपये के नगद पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार असम के प्रथम मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई के नाम से प्रदान किया जाता है। उन्हें वर्ष 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली पुरुष क्रिकेट टीम कौन सी है? तो वो है दोस्तों पाकिस्तान। लद्दाख की कौन सी वस्तु पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन गई है? तो वो बन गई है एप्रिकोट्स बन गई है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रेगन कॉब किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है, याद रखिएगा, दो एंटीबॉडी कॉकटेल से ये संबंधित है रेगन कॉब। खबरों में रहे बोलवाचिया बैक्टीरिया का उपयोग किस वायरस के नियंत्रण में किया जाता है? तो ये किया जाता है डेंगू के उपचार में। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये किया जाता है सैन्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5-स्टार इट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। खबरों में रहा ब्लू स्ट्रेगलर क्या है? तो ये है तारों का वर्ग है दोस्तों, ब्लू स्ट्रेगलर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसल थर्ड मानदंड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है बैंकिंग क्षेत्र से। आयुष आपके द्वार किससे संबंधित है? ये संबंधित है औषधीय पौधे से, आयुष आपके द्वार। हाइसिन वर्ल्ड्स क्या है जो खबरों में रहा था? तो ये है दोस्तों एक्जो प्लेनेट का एक नया वर्ग है दोस्तों, हाइसिन वर्ल्ड्स। नेक्स्ट, किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश में उसका पहला परागण कैलेंडर शुरू हुआ है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़। खबरों में रहा NAMASYA क्या है? ये तो ये है मोबाइल ऐप है दोस्तों, नमस्ते। नेक्स्ट है 13 नंबर, प्राण पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। पोषण अभियान के तहत किस वर्ष तक देश में कुपोषण को खत्म करना है? तो ये खत्म करना है 2022 तक। भारतीय वायुसेना के लिए राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों राजस्थान में। कहाँ किया गया? राजस्थान में। जेपेड अभ्यास 2021 में किन देशों ने भाग लिया है? तो ये भाग लिया है दोस्तों, याद रखिएगा, मंगोलिया और बेलारूस ने भाग लिया है, मंगोलिया और बेलारूस ने। नेक्स्ट, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंसी 2030 के अनुसार सामरिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी SCEP किन देशों के बीच है? तो ये है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच है SCEP।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस जिले में निर्माणाधीन है? तो ये है, याद रखिएगा, प्रयागराज में, प्रयागराज में निर्माणाधीन है। खबरों में रहा चेतु क्या है? खबरों में रहा चेतु क्या है दोस्तों? तो यह सुपर टाइफून है, सुपर टाइफून। पीएम मत्स्य संपदा योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या है? तो यह है 2020 से 2025। नेक्स्ट, सेट नंबर 4 का देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच आतंकवाद विरोधी 12 दिवसीय सैन्य अभ्यास हुआ है। भारत और श्रीलंका ने 4 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बेट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया। दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर रहा है। मित्र शक्ति अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बेट ट्रेनिंग स्कूल में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया गया। युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र भारत में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर कर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में किया गया है। खबरों में रहा T+1 सेटलमेंट सिस्टम क्या है? तो यह है सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम, सेबी द्वारा प्रस्तावित ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम। खबरों में रहा PGSIT क्या है? PGSIT ये क्या है दोस्तों? ये है, याद रखिएगा, CRISPR आधारित मच्छरों की आबादी को बढ़ने से रोकने वाली अनुवांशिक ये तकनीक है दोस्तों, PGSIT। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए ये। नेक्स्ट, पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी PACE भारत और किस देश समूह के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है? तो ये है दोस्तों अमेरिका के बीच। भारत का UPI सिस्टम किस देश के फास्ट पेमेंट सिस्टम से ये जुड़ेगा? ये जुड़ेगा दोस्तों सिंगापुर, याद रखिएगा, सिंगापुर से। दुनिया की सबसे लंबी गुफा कौन बनी है? तो ये बनी है मेमथ केव बनी है दोस्तों। AUKUS अकूस किन देशों के बीच का द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है? ये है दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है SCO सदस्य देशों के बीच। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले ब्लड बैंक के गठन की घोषणा की है। दुनिया के पहले ब्लड बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई है? ये की गई है दोस्तों 1988 में अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने वर्ष 2020 में किस क्षेत्र में प्रिंस विलियम अर्थशॉट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो ये क्या है? पर्यावरण। दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व कौन घोषित किया गया है? तो मुरा द्रोवा डेन्यू। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, इंडोनेशिया के बीच। क्या नाम है? समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस देश में स्थित मरमरा सागर? मरमरा सागर में सी ऑफ स्नोट की घटना देखी गई है। तो ये देखी गई है तुर्की में। खबरों में रहा ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है स्पेन से संबंधित है दोस्तों। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरना को, याद रखिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरना को। हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है दोस्तों बिहार से, याद रखिएगा, बिहार से है। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर वार्ता किया है? तो ये क्या है? UAE। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का विजेता कौन है? तो ये है दोस्तों SP सेथुरमज, याद रखिएगा, SP सेथुरमज है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित किया जाएगा कहाँ? ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 5 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यानी सेट नंबर 5 का इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पेंडोरा पेपर लीक मामला के बारे में देखिए। पेंडोरा पेपर लीक दुनिया के लगभग 12 मिलियन यानी 1.20 करोड़ दस्तावेजों को दिन रात खंगालने के बाद दुनिया भर में चल रही पैसों की लेन देन और याद रखिएगा हेरा पेपरी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करता है दोस्तों। क्या नाम है? पेंडोरा पेपर लीक मामला। याद रखिएगा ये एक ऐसा लीक है जो छपी हुई संपत्ति टैक्स से बचने के तरीकों दुनिया के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। पेंडोरा पेपर्स में 300 से अधिक भारतीयों का नाम है और इसमें से 60 प्रमुख व्यक्तियों और बड़ी भारतीय कंपनियों के दूसरे देशों में मौजूद या ऑफशोर अकाउंट्स की जाँच की गई है दोस्तों। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन है, समाचारों में प्रचलित शब्द क्या टुरकुट चुलंखा गार्दी और ट्यांगसी किससे ये संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों गांव से। याद रखें समाचारों में प्रचलित शब्द है क्या नाम है टुरकुट और क्या चुलंखा और गार्दी या गराडी और ट्योक्सी कि किससे ये संबंधित है? ये गांव से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। सूर्यकरण अभ्यास का 15वां संस्करण भारत नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ दोस्तों याद रखिएगा पिथौरागढ़ में। क्या सूर्यकिरण अभ्यास का 15वां संस्करण भारत नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हुआ? पिथौरागढ़ में ये आयोजित हुआ है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? ये नामित किया गया दोस्तों सभी को, यानी सिक्रो मोनेबो और क्लॉस हेसलमैन जॉर्जियो परीक्षी को किया गया है। याद रखिएगा भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 हेतु किसे नामित किया गया है? सिक्रो मोनेबो और क्लॉस हेसलमैन जॉर्जियो परीक्षी सभी को, तीनों को दोस्तों। एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत ने 6 स्वर्ण पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं दोस्तों 20 पदक भारत ने जीते हैं, 20 पदक। 100% COVID-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों जो 100% COVID-19 टीकाकरण करने वाला पहला राज्य। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन श्रीनगर में किया गया है। यह कार्यक्रम किसकी पहल पर शुरू किया गया है? तो ये किया गया ओम बिरला के पहल पर दोस्तों शुरू किया गया है। 31 अगस्त 2021 को भारत की ओर से किसने तालिबान राजनीतिक प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास एस्टेन कजाई से कतर में वार्ता किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों दीपक मित्तल ने वार्ता किया है। खबरों में रहा सुपर टेक ट्विन टावर मामला किस राज्य से ये संबंधित है? ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से। किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध राइट लवलीहुड 2021 के विजेता कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों उपरोक्त में से सभी होगा, यानी मार्थे वोंडो, व्लादिमीर सिल्वियाक और फ्रेडरा, याद रखिए फ्रेडरा ह्यूसन, ये तीनों हैं दोस्तों। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दोस्तों लॉन्च किया है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 50% बंदरगाहों के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। आयुध निर्माणी बोर्ड को कब प्रभावी रूप से भंग करने का आदेश जारी किया गया है? तो ये होगा 1 अक्टूबर 2021। अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम क्या नाम है जेन केयर किसने लॉन्च किया है दोस्तों? किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर। नेक्स्ट है मेटावर्स क्या है? ये मेटावर्स क्या है? मेटावर्स है दोस्तों कर्नुअल स्पेस का एक सेट है, वर्नुअल स्पेस का एक सेट है दोस्तों। 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले F1 ड्राइवर कौन बने हैं? लुइस हैमिल्टन बने हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? ये होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा स्थापना दिवस 2021 किस दिन मनाया गया है? ये मनाया गया है 26 सितंबर को दोस्तों, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा स्थापना दिवस 2021, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला
अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है स्विट्जरलैंड। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बन गया है? स्विट्जरलैंड बन गया है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 6 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले देखिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है। इसमें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में अमेरिका के डेविड जूलियस और अड्रेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से नामित किया गया है। डेविड जूलियस और अड्रेम पटापोटियन को तापमान और स्पर्श रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल मेडिसिन पुरस्कार से नवाजा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। और डेविड जूलियस इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर है और अंड्रेम पटापोटियन का जन्म लेबनान के बेरूत में हुआ था। वे बाद में युद्ध प्रभावित बेरूत से अमेरिका के लॉस एंजल्स शिफ्ट हो गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के विभिन्न डोमेन्स में होने वाली अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्थापना किया है? तो किसने ये स्थापना किया है दोस्तों? तो याद रखिए IIT दिल्ली ने स्थापना किया है, IIT दिल्ली ने। असम की जुडिमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। इस वाइन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है वो बताइए, कौन गलत है दोस्तों? तो गलत पहले देख लेते हैं, यह वाइन भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाले पूर्वोत्तर की दूसरी पारंपरिक शराब बन गई है, ये दोस्तों गलत है, बाकी सब सही है वो देख लेते हैं। असम की जुडिमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। जुडिमा असम की दिमासा जनजाति द्वारा घरेलू स्थानीय स्तर पर चावल से निर्मित की जाती है। जुडिमा चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस बोरा नमक चिपचिपा चावल से निर्मित किया जाता है दोस्तों। तीसरा नंबर, अमेरिका की गोल्फ टीम ने यूरोप की टीम को पराजित कर राइडर कप जीत लिया है। अमेरिकी गोल्फ टीम के कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान है स्टीव स्ट्राइकर है दोस्तों, स्टीव स्ट्राइकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC के अनुसार अनुसंधान एवं विकास R&D केंद्र और किस संस्थान के बीच संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर मिलकर काम करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद यानी CSIR IMMT, याद रखिएगा केंद्रीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद। कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाने और 300 विकेट लेने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वह है दोस्तों किरण पोलार्ड, याद रखिए किरण पोलार्ड, जो 6 बॉल पर 6 छक्का लगाए हैं दोस्तों, तीसरे व्यक्ति हैं ये। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस जिले से शुरू किया गया है? किस जिले से ये शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये होगा दोस्तों क्या, विकाराबाद से शुरू किया गया है, विकाराबाद। IMF के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक आर्थिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो ये की गई है 3.5% की। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम 2021 पर राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है 18 अगस्त को। CDRI यानी कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के नए सदस्य देश कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों बांग्लादेश और कनाडा बन गए हैं, बांग्लादेश और कनाडा। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों? भारत की रैंक है 4th, याद रखिएगा 4th। अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 28 फरवरी को। NTPC ने किस वर्ष तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये किया है दोस्तों 2032 तक, याद रखिए 2032 तक। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये किसे दिया गया? डॉक्टर साई एवरा को दिया गया, डॉक्टर साई एवरा को। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट को विकसित किया है किसने? नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है दोस्तों? IIT मद्रास ने विकसित किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने पदक जीता है? कितने देशों ने जीता है? तो 86 देशों ने दोस्तों पदक जीता है। विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किस शहर को घोषित किया गया है?
तो ये किया गया, तिबलिसी को घोषित किया गया दोस्तों। ड्रोन नियम 2021 के तहत ड्रोन कवरेज को 300 केजी से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 500 केजी, याद रखिएगा 500 केजी। मोरक्को के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री अजीज अखनोच किस राजनीतिक दल के नेता हैं, तो ये नेता है दोस्तों नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट, याद क्या दोस्तों, इंडिपेंडेंट्स के ये हैं। मोरक्को के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री अजीज अखनोच किस राजनीतिक दल के नेता हैं, तो नेशनल रैली ऑफ, याद रखिएगा इंडिपेंडेंस, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के तीसरे संस्करण में शीर्ष देश कौन से हैं, तो ये है दोस्तों डेनमार्क, याद रखिएगा डेनमार्क। ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ आर के सिंह द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आरा में किया गया है, याद रखिएगा। सेट नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लखनऊ में आज़ादी 75 एक्सपो के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आज़ादी 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंड स्वेप एक्सपो का उद्घाटन और दौरा किया है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY&U 75,000 लाभार्थियों को घरों की चाबियाँ डिजिटल रूप से सौंपी है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने FAME-2 के तहत कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, गोरखपुर और गाजियाबाद सहित 7 शहरों के लिए 75 बसों को हरी झंडी भी दिखाई है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य हैं कौन, कौन है, तो वो है दोस्तों याद रखिएगा हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। अगस्त 2021 में भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है 12वां दोस्तों 12वां। भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया दिल्ली केंट में किया गया भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में ब्रिक्स के सदस्य देशों में कौन शीर्ष पर है, कौन शीर्ष पर है, चीन दोस्तों शीर्ष पर है। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू की गति क्या है, फुगाकू की गति क्या है, क्या है दोस्तों 442 पेटाफ्लॉप्स है, 442 पेटाफ्लॉप्स है। हाइपरसोनिक पवन सुरंग किस शहर में स्थापित किया गया है, तो यह किया गया हैदराबाद में दोस्तों हाइपरसोनिक पवन सुरंग। नासा ने किस खगोलीय पिंड पर स्थित क्रेटर का नामकरण हैंसन क्रेटर किया है, तो यह है चंद्रमा दोस्तों। इसरो द्वारा निम्न में कौन सा साउंडिंग रॉकेट तीसरे साउंडिंग रॉकेट के रूप में लॉन्च किया गया है, यह होगा RH-560 MK2, याद RH-560 MK2। म्यांमार में वर्ष 2021 में सेना ने कब तख्तापलट किया है, कब किया है, तो 1 फरवरी को तख्तापलट कर दिया है दोस्तों। किस राज्य की लाल चावल यानी बाओ धान की पहली खेप अमेरिका भेजी गई है, बाओ धान की, तो ये हो जाएगा असम। महाराजा छत्रसाल सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है खुजराहो में दोस्तों, खुजराहो में। खबरों में रहा महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कहाँ ये स्थित है, ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक में, क्या नाम है, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। विश्व की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी किस शहर में शुरू किया गया है, तो ये किया गया कोलकाता में शुरू। जंगल टी ट्रॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत किस रेलवे जोन द्वारा की गई है, तो ये की गई है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। खबरों में रहा किमिंग पपुन पारे जिला किस राज्य में ये स्थित है, ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पपुन पारे जिला। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा, ये खोला जाएगा याद रखिएगा क्या नाम है अलापुझा में खोला जाएगा। एरो इंडिया का 13वां संस्करण वर्ष 2021 में कहां आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। भारतीय सीनियर पुरुष एवं महिला हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच को किस देश की पुरुष टीम का नया कोच बनाया गया है, ये बनाया गया है हरेंद्र सिंह को। भारत का सबसे बड़ा एक्वाटिक गैलरी किस राज्य में स्थापित होगा, ये होगा दोस्तों गुजरात में। 20 नंबर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच की एक पारी में सर्वाधिक 7 विकेट किस महिला क्रिकेटर ने लिया है, एक पारी में सर्वाधिक 7 विकेट, तो ये लिए हैं दोस्तों फ्रेडरिक ओवरडिक।
नेक्स्ट सेट नंबर 8 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हटा हॉकी इंडिया, हट गया है दोस्तों। भारत कोविड 19 से जुड़ी चिंताओं और देश के यात्रियों के प्रति ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण पृथकवास नियमों के कारण अगले साल बर्किंगम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को की हॉकी प्रतियोगिता से हट गया है। इंग्लैंड भी इन्हीं कारणों का हवाला देकर भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर पुरुष विश्व कप से ये हट गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अभी तक एक बार भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई है। वही 1998 से 2018 तक टीम ने 6 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन केवल 2 में ही टीम को मेडल मिले हैं दोस्तों। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2010 और 2014 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, याद रखिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों, याद रखिए, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकेटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए। याद रखिए, एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकेटालिसिस अणुओं के निर्माण के लिए। किस राज्य ने HIMS परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है दिल्ली ने दोस्तों, दिल्ली ने किया है। नेक्स्ट, हेलीबोर्न सर्वेक्षण किससे संबंधित है? हेलीबोर्न सर्वेक्षण किससे यह संबंधित है? यह जल प्रबंधन से जुड़ा सर्वेक्षण से यह संबंधित है। मध्य प्रदेश स्थित छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है दोस्तों, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। 21 सितंबर 2021 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है लेह में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने महाराष्ट्र सरकार पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 1 करोड़ रुपये का जुर्माना दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार पर। IPL की किस टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों विराट कोहली। साइनिंग सिख युद्ध ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है दोस्तों, राजनाथ सिंह ने। खबरों में रहा कैम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी किस देश में ये स्थित है? ये है स्पेन में स्थित। किस राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम लागू करने की योजना बनाई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है? तो ये हो जाएगा बिल्कुल फ्रांस। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रांस से। कितने मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के समझौता किया है? तो ये फ्रांस से किया है। योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? प्रागवे में। 24 से 28 सितंबर तक किस शहर में पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है? ये लेह में किया गया है। भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया दोस्तों, कोलकाता में। भारत में वर्तमान में कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त समुद्र तट हैं वर्तमान में? तो ये हैं दोस्तों वर्तमान में 10 हैं। कितने? 10। वर्ष 2019 से 20 के लिए कितने व्यक्तियों को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 42 दोस्तों, 42 लोगों को। प्रथम हिमालय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन लेह में किसके द्वारा किया गया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया दोस्तों। किस भारतीय जल विद्युत परियोजना को IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये तीस्ता 5 को किया गया है, तीस्ता 5। किस भारतीय तीरंदाजी को विश्व तीरंदाज एथलीट समिति के लिए चुना गया है? किसे चुना गया है? अभिषेक वर्मा को। फिनो पेमेंट्स बैंक यानी FIBL ने किस अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये पंकज त्रिपाठी को किया है। नेक्स्ट, सेट नंबर 9 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। रामायण के रावण अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। रामायण में जो रावण का किरदार निभाए थे अरविंद त्रिवेदी जी, उसका निधन हो गया है। टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मे अरविंद त्रिवेदी ने गुजराती मंच से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में अभिनय किया है दोस्तों। अरविंद त्रिवेदी अब तक लगभग 300 हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक्टिंग के अलावा उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया था।
उन्हें साल 2002 में सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC का एक्टिंग चेयरमैन भी बनाया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि अरविंद त्रिवेदी जी ये कहाँ के हैं, अरविंद त्रिवेदी जी कहाँ के हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ के हैं। अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसमें ऐसे आपको दिख रहा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है, कितने प्रतिशत तक दोस्तों घटा दिया है, तो याद रखिएगा 80% तक दोस्तों घटा दिया है, 80% तक। ये उज्जैन के हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन के। 25 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में दोस्तों। किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है नागालैंड, नागालैंड। प्रसिद्ध पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, तो ये है चेतन भगत दोस्तों, 400 डेज के लेखक। बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी को किस देश में जनता के लिए खोला गया है, ये बांग्लादेश में खोला गया है। क्वाड देशों की पहली प्रत्यक्ष शिखर वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है, ये की गई है कहाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया है, वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित हुई है, ये आयोजित हुई है अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में। पाकिस्तान द्वारा नामांकित चक्रवाती तूफान गुलाब की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, गुलाब की उत्पत्ति ये कहाँ हुई थी, बंगाल की खाड़ी में हुई थी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। विश्व नदी दिवस 2021 किस तिथि को मनाया गया, तो ये मनाया गया 26 सितंबर को, 26 सितंबर को। केंद्र सरकार ने किन चार राज्यों में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की मंजूरी दी है, तो ये दिए तो है दोस्तों आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है, तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने। द लोना गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है विजय गोखले के द्वारा। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है दोस्तों याद रखिए गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह। भारतीय वायुसेना ने किस झील पर एक एयर शो का आयोजन किया है, डल झील पर किया है, डल झील पर। रामानुज प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे दोस्तों, रामानुज प्रसाद सिंह बताइए, ये हो जाएगा समाचार वाचक, समाचार वाचक थे। कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, कर्नाटक विधानसभा द्वारा, तो ये किया गया है दोस्तों बी एस येदुरप्पा को। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों किया गया है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो ये बनी है नीमा बेन आचार्य। पोत परिवहन मंत्री श्री सर्वानंद सोनेवाल ने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास संबंधी एक समझौता किया है, तो ये हो जाएगा भूटान के साथ किया है दोस्तों, भूटान के साथ। नेक्स्ट है सेट नंबर 10 का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लीजिए। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कारों में भारतीय खिलाड़ियों और कोच ने 8 अलग अलग वर्गों में पुरस्कार जीते हैं। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता, जबकि पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बाजी मारी है दोस्तों, और सविता पुनिया और PR श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में और विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में उभरते हुए खिलाड़ी राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं, लुइस हैमिल्टन ये है दोस्तों ब्रिटेन के, याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन किस देश के हैं, ब्रिटेन के हैं दोस्तों। DRDO ने आकाश मिसाइल के किस नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है, तो ये आकाश प्राइम का किया है दोस्तों, आकाश प्राइम का परीक्षण किया है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के लिए किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग समझौता किया है, किस देश के साथ किया है, ओमान के साथ किया है दोस्तों, ओमान के साथ। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में किन्होंने देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है,
तो ये अरविंद केजरीवाल ने किया है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। जर्मनी में हुए आम चुनाव में किस पार्टी ने जीत हासिल किया है? किस पार्टी ने? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल किया है दोस्तों। किस राज्य के सोजत मेहदी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये होगा राजस्थान दोस्तों। PM मोदी ने विशेष गुणों वाली फसल की कितने किस्मों को राष्ट्र के नाम समर्पित किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 35 किस्मों को। अमेरिका ने भारत से अवैध रूप से ले जाई गई कितनी कलाकृतियों भारत को सौंपी है? अमेरिका ने भारत से अवैध रूप से ले जाई गई कितनी कलाकृतियां भारत को सौंपी है? तो याद रखिए 157 कलाकृतियां दोस्तों भारत को सौंपी है। वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? 11 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों इंद्रा नुई इसके लेखक हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO ने मध्य प्रदेश के किस गांव को देश के सबसे खूबसूरत गांव का खिताब दिया है? बताइए, ये हो जाएगा दोस्तों लाडपुरा को दिया है। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित परशुराम कुंड के विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है? ये लोहित दोस्तों। ने स्कूलों में राष्ट्रीय PM पोषण योजना को अगले कितने वर्ष के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई है? ये हो जाएगा दोस्तों पांच वर्ष के लिए। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली। नेक्स्ट, नजला बुदेन रमधाने किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये हो जाएगा दोस्तों ट्यूनेशिया। राइडर कप 2021 का खिताब किसने जीता है? अमेरिका ने जीता दोस्तों राइडर कप 2021 का खिताब। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है ओम बिरला ने दोस्तों। PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया है? चार। भारत और किस देश की नौसेना के बीच 2 नेवी वार्ता पर हस्ताक्षर हुआ है? बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, सेट नंबर 11 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए दोस्तों। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की खेती CSIR के हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान IHBT द्वारा पायलट आधार पर शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में दालचीनी की संगठित खेती 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत राज्य के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में पहला पौधा लगाया था। भारत वर्तमान में श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम और नेपाल से दालचीनी का सालाना आयात करता है। याद रखिएगा, दालचीनी की संगठित खेती को सफल होने पर व्यावसायिक स्तर पर शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग प्रदान किया गया है? इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह होगा दोस्तों असम। क्या होगा? असम। द फ्रैक्चर्ड हिमालया हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों निरुपमा मेनन राव। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का अध्यक्ष किसे पुनर्नियुक्ति किया गया है? किसे किया गया है? अभी सरकार को दोस्तों पुनर्नियुक्ति दोबारा। नेक्स्ट, जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। PM नरेंद्र मोदी ने किस शहर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जयपुर। 13वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये किया निर्मला सीतारमण ने दोस्तों। शांति के क्षेत्र में 2021 के नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रसा किस देश के हैं? मारिया रसा किस देश के हैं दोस्तों? तो ये फिलीपींस के हैं दोस्तों मारिया रसा, और इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 2021 का दोस्तों मारिया रसा को। IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे युवा अरबपति कौन बने हैं? तो ये शाश्वत नाकरानी बने हैं दोस्तों। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। क्या? इंग्लैंड। किस राज्य के बालाघाट चिन्नौर चावल को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? ये मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश।
रोजर हंट का निधन हो गया। वे किस देश के फुटबॉलर थे दोस्तों? रोजर हंट, बताइए। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इंग्लैंड के ये फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है, हुआंग सोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है दोस्तों? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। किसने किया? उत्तर कोरिया ने। आईपीएल के इतिहास में किस या किसी एक टीम के खिलाफ कितनी, तो याद रखिए 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं आईपीएल के खिलाफ? ये होगा दोस्तों रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, राइट लवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्था को दिया गया है? ये दिया गया है LIFE को, लाइफ को। 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये होगा दोस्तों लेह। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम स्थापित किया गया है, पामेटम स्थापित किया गया दोस्तों नैनीताल में। कहाँ किया गया? नैनीताल में। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे बनाया है? इसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कंगना रनौत को बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज का शुभारंभ कहां और किसने किया, बताइए? तो इसका आंसर होगा लद्दाख, आर के माथुर ने किया, लद्दाख में आर के माथुर ने। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में ये इरफान खान को किया गया, इरफान खान। भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? किसने किया है? श्री किशन सुमन ने किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेट नंबर 12 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, नासा का साइक मिशन के बारे में। नासा का साइक मिशन अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला पहला ऐसा मिशन होगा जो मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह 16 साइक के बारे में पता लगाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यह क्षुद्रग्रह मानस एस्टेरॉइड साइक मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा। यह साइक मिशन प्रारंभिक सौर मंडल का पता लगाने के लिए नासा के दो मिशन में से ये एक है दोस्तों। लूसी मिशन एक और ऐसा मिशन है जो सितंबर 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने और प्रारंभिक सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। पहला है, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति ने में चुना गया है? तो याद रखिएगा, अभिषेक वर्मा को चुना गया है। आरईसी लिमिटेड और अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब जयपुर साउथ एशिया के मध्य समझौता हुआ है। ये डाटा शेयरिंग हेतु हुआ है दोस्तों, डाटा शेयरिंग हेतु। नेक्स्ट है, फोर्ब्स ने देखिए क्या, एक मिनट दोस्तों। नेक्स्ट, फोर्ब्स ने वर्ष 2021 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले फुटबॉलरों की सूची जारी की है। इस सूची के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है वो बताइए, गलत तथ्य कौन सा है दोस्तों? देखिए, पहला नंबर गलत को देख लेते दोस्तों। गलत, लिवरपूल के मोहम्मद सोले चौथे स्थान पर है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब देखिए क्या क्या सही है। फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची में मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पेरिस सेंट जर्मन के लियोनेस मेसी दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। पेरिस सेंट जर्मन के नेमार जूनियर तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत सरकार ने कंपनी लॉ कमेटी 2019 में गठित का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? ये एक वर्ष के लिए दोस्तों बढ़ा दिया है, एक वर्ष के लिए। भारत के कोविशील्ड वैक्सीन को किस यूरोपीय देश ने मान्यता दिया है? इटली ने दिया है दोस्तों। किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? किसने किया है दोस्तों? चीन ने अवैध घोषित किया है। इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में किस भारतीय शहर को इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में पहले स्थान पर रखा गया है? किसे रखा गया है? मुंबई को दोस्तों पहले स्थान पर। 2021 से 22 के बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों? मित्रा योजना, ये कपड़ा से संबंधित थे मित्रा योजना। जीआई टैग प्राप्त मिहिदाना किस राज्य का व्यंजन है दोस्तों? मिहिदाना, ये है पश्चिम बंगाल का व्यंजक है। नेक्स्ट है, खाद हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 सितंबर को दोस्तों। 2022 से 2027 के बीच की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया दोस्तों, याद रखिएगा,
जी सी मुर्मू को चुना गया है। जी सी मुर्मू को किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है? सोजत मेहंदी को राजस्थान की है दोस्तों। ये आरबीआई ने किस बैंक पर जमा बोर्ड संरचना मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये होगा दोस्तों आरबीएल बैंक पर। मोदी सरकार ने हाल ही में परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। परशुराम कुंड किस राज्य में ये स्थित है बताइए? तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड अवस्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया 7वां संस्करण दोस्तों, जारी किया गया 7वां संस्करण। अविक सरकार को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति किया गया है? अविक सरकार को तो याद रखिएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई। कौन सा पद सीके रंगनाथन के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप गॉन लॉन्च किया है, ठीक है, और इस गीत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा अमित त्रिवेदी के द्वारा। क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने T20 विश्व कप गान लॉन्च किया दोस्तों, गान लॉन्च किया है यानी सॉन्ग। इस गीत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो अमित त्रिवेदी के द्वारा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आंसर दीजिए। देखिए क्या है दोस्तों, यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार 7 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, यह भी सही है। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया था, यह भी सही है। यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, सभी सही है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? ये याद रखिएगा लाहौल स्पीति में किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 13 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। WHO ने 6 अक्टूबर 2021 को बच्चों के लिए दुनिया के पहले मलेरिया टीके के व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है और मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है दोस्तों। और WHO ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में साल 2019 में चल रहे एक पायलट प्रोग्राम या प्रायोगिक कार्यक्रम की समीक्षा के बाद लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है बताइए? ये पंजाब के पार्टी थी, कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष थे दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने अपने पार्टी से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कब तक के लिए पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ये होगा 1 जनवरी 2022 तक। नेक्स्ट, इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का निधन हो गया है? ये याद रखिए रोजर हंट का निधन हो गया। किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? ये होगा दोस्तों हरियाणा सरकार ने। किस राज्य के वन विभाग ने राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है बताइए? ये होगा उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया है? किसने शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश ने। किस देश के राष्ट्रपति केस सईद ने नजला बोदेंत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है बताइए? ये होगा ट्यूनेशिया दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है बताइए दोस्तों क्या होगा, कंगना रनौत को। भारत और किस देश ने अम्परा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये होगा श्रीलंका दोस्तों। विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस दोस्तों मनाया जाता है हर साल। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है?
अशांत। तो ये होगा दोस्तों तीन। किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? ये होगा दोस्तों सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस प्रसिद्ध कलाकार का निधन हो गया है जो नट्टू काका के नाम से प्रसिद्ध किरदार निभाते थे? ये होगा दोस्तों घनश्याम नायक नट्टू काका, घनश्याम नायक नट्टू काका का। किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित किए जाने वाले चावल की एक खस किस्म वाडा कोलम को GI टैग दिया गया है? बताइए, महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है दोस्तों, कांस्य पदक। किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले घातक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह होगा दोस्तों रूस, रूस। नेक्स्ट, RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा के किस पूर्व महाप्रबंधक को NBAFC का प्रशासक नियुक्त किया है? NBFC का प्रशासक नियुक्त किया है तो ये हो जाएगा दोस्तों रजनीश शर्मा, रजनीश शर्मा। किस राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र में हाथियों को करंट लगने से होने वाली मौत से बचाने के उद्देश्य से बिजली वितरण कंपनियों को कितने दोस्तों याद 445.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है दोस्तों? बताइए, ये होगा दोस्तों नमामि गंगे मिशन। क्या नाम है? केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर था दोस्तों चाचा चौधरी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, नमामि गंगे मिशन। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के पहले खिलाड़ी एवं दुनिया के सातवें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट, सेट नंबर 14 का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। WMO ने कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों, इसके बारे में देखिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी किया है, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में विश्व के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है, याद रखिएगा। WMO के अनुसार जलवायु परिवर्तन से बाढ़ और सूखे जैसे पानी से संबंधित खतरे बढ़ जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से पानी की कमी से प्रभावित लोगों की संख्या में भी वृद्धि होती होगी दोस्तों। और इस वाटर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया भर में 3.6 बिलियन लोगों के पास प्रति वर्ष कम से कम एक महीने पानी की अपर्याप्त पहुँच थी, जो 2050 तक 5 अरब से अधिक होने की उम्मीद है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान कौन है? कौन है दोस्तों? अंशु मलिक, अंशु मलिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए स्वच्छ भारत मिशन शहर SBMU 2.0 का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है वाटर सिक्योर सिटीज, वाटर सिक्योर सिटीज। यूनेस्को द्वारा जारी भारत के लिए शिक्षा पोर्टल SOER 2021 कोई शिक्षक नहीं कोई कक्षा नहीं के अनुसार 2019 से 2020 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों के लिए सकल नामांकन यानी कि सकल नामांकन अनुपात यानी GER क्या है, कितनी है दोस्तों? तो 102.1 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फाइनल में NFT ट्रॉफी और कितनी है दोस्तों? $1,00,000 का दावा करने के लिए उद्घाटन मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर MCCT किसने जीता है? ये किसने जीता है दोस्तों? ये याद रखिए, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किस मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों को उनकी जांच के दौरान सहायता करने के लिए एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? यह होगा आंध्र प्रदेश ने दोस्तों लॉन्च किया है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, 7 नंबर देखिए, रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार कौन थे जिनका निधन हो गया है? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी हैं और ये मध्य प्रदेश के हैं दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है?
किसे नियुक्त किया है? वेंडी वर्नर को दोस्तों, याद रखिएगा, वेंडी वर्नर को नियुक्त किया है। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश दोस्तों बन गया है, हिमाचल प्रदेश। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो BC पटनायक ने दोस्तों संभाला है। किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट यानी iDrone नाम से लॉन्च किया है? बताइए, ये होगा दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली किस वैक्सीन को बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल करने की सिफारिश की है? तो मलेरिया की वैक्सीन को दोस्तों। जिम कार्बेट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया? राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया है गया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके। नेक्स्ट, IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हर्षल पटेल बन गए हैं दोस्तों, हर्षल पटेल। किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो ये होगा दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में कुल 4,445 करोड़ रुपये के परिपक्व के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल यानी PM मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये कितने किए हैं दोस्तों? 7। कितने? 7 किए हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? फिश वाले लॉन्च किया है असम दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? तो ये होगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन की कार्यकारी समिति के 9वीं बैठक में करीब कितने करोड़ रुपये के परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कितने? तो 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को दोस्तों मंजूरी दे दिया गया है। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु शक्ति मोबाइल ऐप सेवा शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शुरू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेट नंबर 15 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए। छत्तीसगढ़ ने घोषित किया एक नया टाइगर रिजर्व, इसके बारे में देखिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दिया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38 के 5 का 1 के तहत इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बना यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में ये स्थित है, जबकि तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी कोने में सूरजपुर जिले में ये स्थित है दोस्तों, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन है इसका, वो देख लीजिए। आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने कितने किलोवाट लंबी जयपुर मलकानगिरी रेल लाइन परियोजना को कितनी दोस्तों 2676.11 करोड़ लागत को मंजूरी दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 130 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने किस देश के साथ प्रशिक्षण और कर्मचारियों के विकास संबंधी मुद्दे पर समझौता किया है? मोरक्को। स्वदेश निर्मित मध्यम दूरी तक मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा अग्नि टू का किया गया है। किस विभाग द्वारा लगभग 90,000 पदों पर निकाली गई भर्ती की आयु सीमा बढ़ाई गई है? तो ये होगा भारतीय रेलवे दोस्तों, भारतीय रेलवे। किस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में 13 जिलों का पीने के पानी का संकट दूर करने के लिए 37,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो ये होगा दोस्तों राजस्थान। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा रहा है? ये होगा दोस्तों डकोटा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस मुख्यमंत्री के पास सबसे कम संपत्ति है? तो मणिक सरकार के पास सबसे कम संपत्ति है। भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। RBI ने वित्त वर्ष
2022 से 23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, कितने जताया है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसका 9 नंबर का दोस्तों आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हमें इंतजार रहेगा। सिर्फ यही क्वेश्चन का दोस्तों एक ही क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है, अंशु मलिक बनी है दोस्तों, अंशु मलिक। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, तो ये होगा दोस्तों 7, कितने 7। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, कितने प्रतिशत कर दिया है, 8.5% दोस्तों कर दिया है। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है, तो त्रिशूल और गरुड़ का किया है दोस्तों। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है, बताइए। ये होगा दोस्तों राजस्थान, राजस्थान। किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको प्यार से कहते हैं दोस्तों हम लोग नल्ला, यानी दोस्तों डॉग आकार का पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान, इसका क्या नाम कहते हैं हम लोग दोस्तों, नल्ला। नेक्स्ट है 18 नंबर, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपये में खरीद लिया है, कितने करोड़ रुपये में खरीद लिया है, 18,000 करोड़ रुपये में दोस्तों खरीद लिया है। नेक्स्ट, रिद्रम सांगवान एवं विजयवीर सिंधु ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये होगा 25 मीटर दोस्तों, 25 मीटर। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन दोनों पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो याद रखिए मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किया गया है, मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 16 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए। अंशु मलिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला रेसल बनी है, इसके बारे में देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गई और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी 57 kg में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रही दोस्तों, वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अंशु मलिक ने इससे पहले विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचा था, वे इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य पदक मिला था दोस्तों। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, देखिए सेट नंबर 16 का। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में रिवर रेचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो ये होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत हो रही है, कितने लोगों की हो रही है दोस्तों, 13 प्रति मिनट 13 लोगों की मौत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने किस देश को एजेंसी का पूर्वकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है, यह होगा दोस्तों अपना प्यारा देश भारत को आमंत्रित किया है। किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को निरस्त कर दिया है, किसने निरस्त कर दिया है, राजस्थान ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का दोस्तों। भारत ने किर्गिस्तान में विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता के समझौते पर सहमति जताई है, तो ये होगा दोस्तों $20 करोड़। विश्व गठिया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये 12 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। भारत ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक अपने नाम किए हैं,
तो ये 43 पदक अपने नाम किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में किस नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, किसे दोस्तों किसे किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा मीरा मोहंती को किया गया है, मीरा मोहंती। किस हाईकोर्ट में राकेश अस्थाना की नियुक्ति की को चुनौती देने वाली याचिका दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया है, दिल्ली हाईकोर्ट। किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया है दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग, तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल जर्मनी ने लॉन्च किया है। जस्टिस अकील कुरेशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो ये होगा राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अमित खरे को नियुक्त किया गया दोस्तों। आरबीआई ने श्रेय इंफ्रा के ऑडिटर हरि भक्ति एंड कंपनी LLP पर कितने अवधि हेतु किसी भी प्रकार के ऑडिट से जुड़े काम पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल डी नंबर यानी 2 वर्ष, क्या होगा 2 वर्ष, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। NPCI ने रुपए ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी किया है, किस बैंक के साथ, तो ये किया है दोस्तों यस बैंक के साथ। सरकार ने विकलांग आश्रितों की आय सीमा को रक्षा मंत्रालय से आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के लिए बढ़ाया है, नई सीमा क्या है इसकी, तो नई सीमा है दोस्तों अंतिम आहरित वेतन के 230% से कम, अंतिम आहरित वेतन के 230% से कम है। नेक्स्ट, किसे 2021 के लिए UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, याद रखिए इसी को किया गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुमियो किसिदा को किया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर, पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर निम्नलिखित में से किसका संस्करण है या संस्करण है दोस्तों, बताइए, यह इंदिरा नुई का है दोस्तों, इंदिरा नुई का। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 17 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों सेट नंबर 17 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में कोयले का संकट का कारण, इसी के बारे में इसमें दिया गया है जिसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देश में इस समय कोयले का संकट जारी है, जिस बिजली घरों में पहले 17 दिन का कोयला का स्टॉक हुआ करता था वहां अब 4 या 5 दिन का स्टॉक ही बचा है दोस्तों, और कोयले की कमी की वजह से बिजली सेक्टर पर बड़ी आफत आ सकती है और देश को भारी ऊर्जा संकट से जूझना पड़ सकता है दोस्तों। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का ही होता है, देश में 70% बिजली उत्पादन केंद्र कोयले पर आधारित है दोस्तों। मानसून की वजह से कोयला उत्पादन में कमी आई है और इसकी कीमत बढ़ी है दोस्तों, और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी रुकावट आई है। पहला क्वेश्चन है इसका दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 1 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी NSDL के नए MD और CEO कौन बने हैं, तो याद रखिए पदजा चंद्रू बने हैं। IFSC में सस्टेनेबल फाइनेंस हब पर IFSCA द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं CK मिश्रा जी। नेक्स्ट, भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने किस खेल से संन्यास की घोषणा कर दिया है दोस्तों, रुपिंदर पाल सिंह ने, तो ये होगा दोस्तों हॉकी से ये संन्यास की घोषणा कर दिया है। नेक्स्ट, क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं बोले सुइंका दोस्तों। पीएम मोदी द्वारा सितंबर 2021 में प्रति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की, क्या दोस्तों पीएम मोदी द्वारा सितंबर 2021 में प्रति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता किया है, तो याद रखिएगा ये 38वां किया है दोस्तों। नेक्स्ट, मैनी पेकियो ने संन्यास की घोषणा किया है, वह किस क्षेत्र से में प्रसिद्ध थे दोस्तों, क्या नाम, मैनी पेकियो, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ये बॉक्सर से ये संबंधित थे। सुनील कटारिया को 10वीं बार इंडियन सोसाइटी ऑफ क्या नाम है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के अध्यक्ष चुने गए हैं,
तो ये होगा बिल्कुल छवां। सुनील कटारिया को दसवीं बार इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष चुने गए हैं छवां। ई कॉमर्स प्रमुख किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये होगा दोस्तों अमेजन ने किया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद का टेस्ट किस टीम के खिलाफ खेला है? तो ये होगा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नेक्स्ट ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ASDC ने ऑटोमोबाइल उद्योग के दिग्गज डैश को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विनोद अग्रवाल को नियुक्त किया है, विनोद अग्रवाल को दोस्तों नियुक्त किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इससे जो पहले क्वेश्चन था दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद का टेस्ट किस टीम के खिलाफ मतलब खेला है? तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। नेक्स्ट किस मंत्रालय ने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडिया एक्सपोर्ट्स 2021 का पोर्टल का शुभारंभ किया है? किसने किया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने किया है दोस्तों। किस देश के द्वारा रेथियन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो यह USA के द्वारा दोस्तों किया गया है, USA के द्वारा। मानव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन में क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित किया गया है? तो यह संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टिकोण से। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली NMWS किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों निवेशकों और व्यवसायों से, निवेशकों और व्यवसायों से यह संबंधित है। किस रिपोर्ट के प्रकाशन को विश्व बैंक ने नैतिक समीक्षा के उद्देश्य से बंद करने का लक्ष्य निर्णय किया है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर, यानी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। किसने लिया है? विश्व बैंक ने। DFC और USAID के द्वारा भारत के लिए कितनी राशि के ऋण गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों $55 मिलियन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश में कहां बुनकर सेवा और डिजाइनर संसाधन केंद्र की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो यह होगा दोस्तों कुल्लू में। कहां किया है? कुल्लू में किया है। किस देश में जनमत संग्रह और समलैंगिक जोड़ों को विवाह करने की अनुमति देने हेतु व्यापक अंतर से मतदान किया गया है? तो यह होगा स्विट्जरलैंड दोस्तों, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का विकल्प विकसित किया है? यह होगा दोस्तों IIT हैदराबाद। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 18 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों सेट नंबर 18 का, भारतीय वायुसेना दिवस 2021 के बारे में। भारत हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाता है। भारत के लिए 8 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस साल भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस वर्ष गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबस पर यह दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस साल भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50 साल पूरे होने पर भारतीय वायुसेना इस बार विजय वर्ष के तौर पर मना रही है और वायुसेना ने अनेकों बार अपने पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। एयरफोर्स दिवस पर इस बार दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा लगाया गया है। कार्यक्रम की थीम आत्मनिर्भर एवं सक्षम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है कलराज मिश्र ने दोस्तों, लिखी है कलराज मिश्र ने। भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना के आदान प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये होगा दोस्तों ओमान। बैडमिंटन प्रतियोगिता विक्टर यूक्रेन इंटरनेशनल 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो प्रियांशु राजावत ने जीता है दोस्तों, प्रियांशु राजावत ने। किस देश द्वारा स्वदेशी निर्मित नौसैनिक युद्धपोत ताजियांग अपनी नौसेना में शामिल किया गया है? यह होगा ताइवान दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में रखा मंत्रालय ने NCC की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों क्या, बैजयंत पांडा। नेक्स्ट वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सज्जन सिंह जिंदल को। निजी क्षेत्र की किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो ATM लॉन्च करने की घोषणा किया है?
तो किसने लॉन्च किया है, करने की घोषणा किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने दोस्तों निजी क्षेत्र की किस बैंक ने पूरे भारत में माइक्रो एटीएम लॉन्च करने की घोषणा किया है, कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय वेरिएबल ब्रांड फायर वोल्ट ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका आंसर होगा विराट कोहली को दोस्तों। भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, किस कंपनी को दिया है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, एडीबी ने 2019-30 जलवायु वित्त पोषण लक्ष्य बढ़ाकर कितना बिलियन डॉलर कर दिया है, कितना किया, 100 दोस्तों, 100 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूअल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव, क्या नाम है दोस्तों, अट्रैक्टिवनेस इवेंट्स 2021 में सिस्टम देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। फिर से देखिए, अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा जारी 58वें रिन्यूअल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इवेंट्स 2021 में सिस्टम देश कौन सा है, तो अमेरिका है दोस्तों, याद रखिएगा। सितंबर 2021 में भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति कितने प्रतिशत रही है, कितने प्रतिशत रही है, 4.35% दोस्तों। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, किसे किया गया, अरुण कुमार मिश्रा को। अलेक्जेंडर सोलेनबर्ग किस देश के नए चांसलर बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए ऑस्ट्रिया के दोस्तों। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन किस कंपनी ने संभाला है, तो ये अडानी समूह ने दोस्तों संभाला है, अडानी समूह ने। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा जयपुर में दोस्तों। एक दिवसीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले या वाली सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बनी या बने हैं, ये बने हैं दोस्तों एमी हंटर। विश्व मानक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ये 14 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है। भारत ने किस देश के लिए 200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया है, तो ये होगा क्या दोस्तों, याद रखिएगा किर्गिस्तान होगा ये, किर्गिस्तान। नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान कंपनी भारत पे के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, भारत पे के अध्यक्ष रजनीश कुमार दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, रजनीश कुमार। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 19 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो देख लीजिए आप अच्छी तरह से। 2021 में भारत की 28 कंपनियां हुई यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों की एक श्रृंखला के आधार पर 28 यूनिकॉर्न कंपनियां या स्टार्टअप्स शामिल हुए हैं, जिनका मूल्य 1 बिलियन डॉलर से दोस्तों अधिक है। और भारतीय स्टार्टअप कंपनियों से अब तक 65 यूनिकॉर्न्स उभरे हैं, जिनमें से 28 यूनिकॉर्न्स वर्ष 2021 में बने हैं दोस्तों। और इससे पता चलता है कि भारत में आर्थिक क्षेत्र में गतिविधि बढ़ी है, और क्या एजेल निजी निवेशकों से बहुत अधिक पूंजी हासिल हुई है। भारत में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, वैकल्पिक निवेश कोष की विभिन्न क्षमताओं यानी AIF को भी अधिक लचीलेपन दिया गया है। नेक्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, दृष्टि दिवस, तो यह मनाया जाता है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। केंद्र सरकार ने ऑर्वर्सन संबंधी नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की सीमा समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने कर दिया है, तो याद रखिएगा 24 सप्ताह दोस्तों कर दिया गया है, 24 सप्ताह। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा राज्य के किस शहर में हेली हब बनाने की घोषणा की गई है, तो यह गुरुग्राम में की गई है, गुरुग्राम में। केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रियंक कानूनंगो को। किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सीके प्रहलाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, तो यह होगा दोस्तों सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने फास्फेटिक और पोटाश P&K खाद पर कितने करोड़ रुपए की शुद्ध सब्सिडी की घोषणा किया है, तो यह किया है दोस्तों 28,655 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से समझौता के लिए अपनी मंजूरी दी है, तो यह होगा दोस्तों 100, कितने 100। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है,
किस शहर में, तो अहमदाबाद में किया गया है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएसआईबीसी 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के विजेता कौन हैं, तो इसके विजेता है दोस्तों शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन। शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन है दोस्तों, याद रखिएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह अमित मेहता को नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए दोस्तों, किस भारतीय संगठन को 2021 राइट लेवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया गया है, तो यह लद्दाख में दोस्तों किया गया है। प्रमुख जल जीवन मिशन JJM के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। यह मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, ये किया गया था 2019 में दोस्तों, कब, तो 2019 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर रवाना किया, और रैली में प्रतिभागियों का कौन सा समूह शामिल है, तो यह दोस्तों NSG का समूह शामिल है, NSG। नेक्स्ट, मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण का आयोजन किस देश की सेना के साथ भारतीय सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है, ये तो ये है दोस्तों श्रीलंका। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस बुक में दोस्तों ये कम से कम 5 बार क्वेश्चन आया है, अब तो बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर हम बता ही देते दोस्तों, कंगना रनौत। नेक्स्ट, SV सुनील और वीरेंद्र लाकारा किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हॉकी। किस कंपनी ने डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप क्रेडिटमेंट में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों पेटीएम ने किया है। नेक्स्ट, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भारत की अपशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सरकार ने किस नाम से एक वेब पोर्टल शुरू किया है, किस नाम से किया है, तो वेस्ट टू वेल्थ याद रखिएगा दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ। नेक्स्ट है, भारत के 2022 U17 महिला विश्व कप का शुभंकर किसे घोषित किया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इभा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 20 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाटा सन्स कंपनी ने जीती एयर इंडिया की बोली दोस्तों, टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई। अब टाटा सन्स के पास देश में 3 एयरलाइंस होगी दोस्तों। नीलामी में शामिल अजय सिंह के कंसोर्टियम ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी, 15,100 करोड़ की बोली लगाई थी दोस्तों अजय सिंह के कंसोर्टियम ने। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए अनुमान लगाया गया था कि एयरलाइन को 9,000 करोड़ का घाटा हो सकता है, 9,000 करोड़ का घाटा हो सकता है। GRT टाटा ने साल 1932 में टाटा एयर सर्विसेज शुरू की थी, कब, तो 1932 में, जो बाद में टाटा एयरलाइंस हुई और 29 जुलाई 1946 को यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत विक्रमादित्य पर NAVE कैश कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट, एरिक हेनुसेक और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 2021 के यदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा अनुसंधान। 3 नंबर क्वेश्चन है, एरिक बेगरोजा को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा CEAMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति M.V.K. नायडू ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिएगा असम में किया है। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB कार्यक्रम भारत के साथ किस देश की साझेदारी में शुरू की गई है, यह शुरू की गई है दोस्तों सेशेल्स, याद रखिएगा सेशेल्स। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के नाम बताइए,
क्या इसका विजेता है? तो याद रखिएगा, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलीमन, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकलीमन इसके हैं दोस्तों। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का। सरकार द्वारा 5 वर्षों में कितने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों 7। कितने? 7। नेक्स्ट, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को संशोधित कर क्या घोषित किया है? तो याद रखिए, स्थिर घोषित किया है। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में काम करने के लिए कंपनी के लिए न्यूनतम निवल स्वामित्व वाली फंड आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल 2 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, याद रखिए, वाडा कोलम महाराष्ट्र के पालघर जिले के वाडा में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली निम्न में से किसकी एक किस्म को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? यह होगा दोस्तों चावल को दिया गया है, चावल। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिला छात्रों को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वेच्छा कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो ये किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट, किस देश ने फुटबॉल की 2024 यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए लोगों का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों जर्मनी। किस फिनटेक कंपनी ने पोस्ट पे के लॉन्च के साथ बाय नाउ पे लेटर BNPL श्रेणी में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर होगा भारत पे ने दोस्तों किया है, भारत पे। नेक्स्ट, किसने यूनिसेफ की ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशंस द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रोमोटिंग प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन, याद के चिल्ड्रेनस मेंटल हेल्थ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मनसुख मांडविया ने किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इसका है दोस्तों 8.3%। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 प्रेशर स्विंग सोखना PSA ऑक्सीजन संयंत्र को लॉन्च किया और इन पौधों को किस कोष के तहत विकसित किया गया है? तो किया गया ये PM केयर्स के द्वारा। भारत में वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2021 में वायुसेना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है दोस्तों, बताइए? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल 89वां संस्करण मनाया गया। PL हरनाथ को किस प्रमुख बंदरगाह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये होगा बिल्कुल पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। मुकेश अंबानी ने लगातार वर्ष के लिए सबसे धनी भारतीय के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए 2021 में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये होगा दोस्तों 14वें। नेक्स्ट, अर्थशास्त्री गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जयतीर्थ राव। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 21 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के बारे में, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के सबसे अमीर लोगों ने COVID-19 महामारी के दूसरे वर्ष में अपनी संचयी संपत्ति में 50% की वृद्धि दर्ज की है दोस्तों। भारत के 100 सबसे अमीर लोग अब $775 अरब के मालिक हैं। देखिए, रैंक नाम है और ये क्या विफल मूल्य है दोस्तों, यानी बिलियन डॉलर है और क्या कंपनियां हैं वो देखिए। मुकेश अंबानी दोस्तों कितनी है वो देखिए, 92.7 बिलियन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं ये। गौतम अंबानी 74.8 बिलियंस के हैं ये, अदानी पोर्ट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसका पहला क्वेश्चन देखिए, खबरों में रहा जेजेरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है? जेजेरो क्रेटर, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये मंगल ग्रह पर ये स्थित है। वेस्टबरी गुफा जहाँ विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जीवाश्म खोजा गया है, किस देश में यह स्थित है? ये है दोस्तों, याद रखिएगा, UK में। किस संस्थान ने साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द ऑर्गेन्स ऑन नोवल पैथोजेंस यानी SAGO सैगो का गठन किया है? किसने किया है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। नेक्स्ट, क्रिस्प एम टूल जो खबरों में रहा किस योजना को लागू करने में जलवायु संबंधी जानकारी को शामिल करता है? ये करता है दोस्तों मनरेगा। किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों ने ऑपरेशन सतर्क के नाम से एक गश्ती अभियान शुरू किया है?
तो ये होगा नई दिल्ली ने किया है दोस्तों, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है, ईआर शेख ने किस संस्था के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल आयुध निदेशालय, आयुध निदेशालय। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो याद रखिए PR श्रीजेश ने किया है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड्स 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो PR श्रीजेश ने जीता है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, बैंक ऑफ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का प्रायोजक कौन है दोस्तों, तो इसके प्रायोजक कौन है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा केनरा बैंक है। अक्टूबर 2021 में नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक है दोस्तों 90वां रैंक है। ने फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, तो 8.7% दोस्तों। किस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो यह होगा दोस्तों UNHCR। नेक्स्ट, मेंटे फ्रेडरिकसन जो भारत दौरे पर आई, ये किस देश के प्रधानमंत्री है दोस्तों, क्या नाम है, मेंटे फ्रेडरिकसन ये किस देश के दोस्तों प्रधानमंत्री है बताइए, जो भारत के दौरे पर आए, ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री है। RBI के अक्टूबर मौद्रिक नीति समिति के बैठक के बाद रेपो दर क्या निर्धारित किया गया है, तो क्या निर्धारित किया गया दोस्तों, तो 4%, कितनी, तो 4% किया गया है। नेक्स्ट, वल्लीलथ माधथिल माघवन नायर का निधन हो गया, वे क्या थे, वे दोस्तों नौकर साथे। किस राज्य या फिर केंद्रशासित प्रदेश ने अपनी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS परियोजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक अद्वितीय स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली, याद रखिएगा दिल्ली। नेक्स्ट, पोंटे डी फेरो जो हाल ही में ढल गया है, किस देश में ये स्थित है, ये स्थित है दोस्तों इटली में। फिनटेक हैकथॉन आई स्पीड 2021 या आई स्पीड 21 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, यह किया गया IFSCA के द्वारा। किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल नामक एक विशेष COVID-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र ने दोस्तों शुरू किया है। भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तर पर, देखिए भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अजय वारियर अभ्यास का कौन सा संस्करण चौबटिया उत्तराखंड में शुरू किया है, कौन सा संस्करण, ये 6वां संस्करण दोस्तों शुरू किया है। चक्रवात गुलाब के वंशज का कौन सा चक्रवात को ओमान से टकराया है दोस्तों, कौन सा चक्रवात ओमान से टकराया है, ये गुलाब का वंशज कहा जाता है इसको, तो ये देखिए साहिन दोस्तों किसे ओमान से टकराया है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 22 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का शुभारंभ डिजिटल रूप से किया है दोस्तों, और यह एसोसिएशन मुख्य रूप से भारत के आंतरिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कार्य नीतियों के बारे में परामर्श देने के साथ ही अन्य क्रियाकलापों का संचालन भी करेगी, याद रखिएगा। यह भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, और इस ISPA का प्रतिनिधित्व प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है, जिसके पास अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं मौजूद हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, चिकित्सा के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए क्या है, तो याद रखिए डेविड जूनियस और अर्देम पटापोटियन। डेविड जूनियस और अर्देम पटापोटियन ये दोनों हैं जिसे दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है, याद रखिएगा। ड्यूरन कप 2021 किस टीम ने जीता है, तो FC गोवा ने जीता है दोस्तों। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन दुबई में शुरू किया गया है, और इस एक्सपो की थीम क्या है, तो इस एक्सपो की थीम है दोस्तों कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर्स। नेक्स्ट, इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है, दूसरे कार्यकाल के लिए तो अभी अहमद को चुना गया है। भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये होगा दोस्तों 5 अक्टूबर को। सितंबर 2021 में माल एवं सेवा कर यानी GST से कितना राजस्व एकत्र किया गया है,
कितना किया गया है दोस्तों, तो 1.17 लाख करोड़ रुपये। सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास, क्या नाम है, AUS हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, INDS हो गया दोस्तों इंडिया, EX हो गया एक्सरसाइज, का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBM U 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 1.41 लाख करोड़ रुपये की गई है। कौन सी महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलियाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी टेस्ट मैच में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना बन गई है, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट, संजय भार्गव भारत में एलोन मस्क की किस फर्म के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो ये की गई है दोस्तों याद रखिए स्टार लिंक के, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आलोक सहाय को दोस्तों। दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पेवेलियन की थीम क्या है, इसकी थीम है याद रखिए ओपननेस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, इसकी थीम है दोस्तों, 12 का C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिहिदाना नमक पश्चिम बंगाल के किस उत्पाद को GI टैग मिला है, मिहिदाना नमक, तो ये होगा दोस्तों मिठाई है मिहिदाना। नेक्स्ट, PM मोदी द्वारा किस शहर में आज़ादी एट द रेट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप सम्मेलन सा एक्सपो का उद्घाटन किया गया है, यह होगा दोस्तों लखनऊ। जिम मैक्स 2021 किस देश के साथ भारत के वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण है, तो ये होगा दोस्तों जापान, क्या होगा जापान। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों याद रखिएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है, 16 का B नंबर होगा। भौतिकी में 2021 के नोबेल पुरस्कार के विजेता के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो याद रखिए सिकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक को किया गया है। भारत को सेशेल्स में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी TIWB के लिए भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है, यह पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, तो याद रखिए UNDP और OECD के द्वारा किया गया है। क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए अमिताभ बच्चन को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अक्टूबर का महीना प्रतिवर्ष इनमें से किसके रूप में मनाया जाता है, अक्टूबर का महीना, तो स्तन कैंसर जागरूकता माह याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर सेट नंबर 23 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत और ब्रिटेन ने बनाई स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अभियान की योजना। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए अनेक ठोस कार्य योजनाएं तैयार की है दोस्तों, और जिन पर तीसरी भारत UK विकास साझेदारी के लिए मंत्री स्तरीय ऊर्जा वार्ता में भी चर्चा की गई थी। बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे। इस साझेदारी के लिए वार्ता की सह अध्यक्षता भारतीय पक्ष के केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और UK की ओर से माननीय क्वासी क्वाटेक्स संसद यानी दोस्तों व्यापार ऊर्जा और औद्योगिक राजनीति राज्य सचिव BEIS द्वारा की गई है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एक बार और देख लीजिएगा याद हो जाएगी। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में समर्पित किया गया है, 10 अक्टूबर को दोस्तों किया गया है, 10 अक्टूबर को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL रील ने अपने सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड RNESL के माध्यम से चीनी स्वामित्व वाले REC समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो याद रखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 100%। किस खिलाड़ी ने F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है, किस खिलाड़ी ने जीता है, वाल्टेरी बोटास ने जीता है दोस्तों। डॉक्टर अब्दुल कादिर का निधन हो गया दोस्तों, वह किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं दोस्तों क्या, नल्ला यानी दोस्तों कुत्ता आकार का पाकिस्तान, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा उत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों तेलंगाना में। FICCI यानी फिक्की ने FY22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9.1%। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया पंजाब नेशनल बैंक ने। किस तेलुगु फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है बताइए? तो ये होगा दोस्तों बी गोपाल को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दून ड्रोन मेला 2021 की हरी झंडी दिखाई है? दून से तो पता ही चल ही रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड यानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नेक्स्ट, किसे 45वें बायलर राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो बेन्यामिन को चुना गया है। किस टीम ने 14वां IPL 2021 का फाइनल खिताब जीता है दोस्तों? तो ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य के कन्याकुमारी लोंग को GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु। नेक्स्ट, लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO लियो उपग्रह संचार कंपनी वन वेव भारतीय समूह द्वारा समर्थित किस देश में यह स्थित है? यह किस देश में स्थित है दोस्तों? UK में। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो 30 अक्टूबर 2021 को नासा SpaceX के Crew-3 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान सौंपेंगे? तो ये होगा दोस्तों राजा चरिक। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट बैंकर्स मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है रजनीश कुमार। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के एफ में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है, जयंत पाटिल को। पहला विश्वकर्मा वाटिका 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक किस शहर या गांव में हुनर हाट में स्थापित किया गया है? ये रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है, रामपुर उत्तर प्रदेश में। किस केंद्रीय मंत्री ने माई पार्किंग्स ऐप का उद्घाटन किया है? तो ये होगा दोस्तों अनुराग ठाकुर ने किया है। किस देश ने अपने व्यापक केंद्रीय रेगिस्तानी क्षेत्र में 2 दिवसीय विशाल वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया है? तो ये ईरान ने शुरू किया है। आयुध निर्माणी बोर्ड से निर्मित कितनी नई रक्षा कंपनियों राष्ट्र को समर्पित की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा 7, कितने की गई है? 7, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर दोस्तों 24 का इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लेते हैं हम लोग। इंडियन रेलवे ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों का परिचालन किया है, इसके बारे में देखिए। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की 2 मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। और इस तरह की ट्रेनों के कई फायदे हैं जिनमें एक ही बार में बहुत ज़्यादा माल की ढुलाई शामिल है और जिससे क्षमता के कमी का समाधान करती है दोस्तों। दक्षिण मध्य रेलवे यानी याद रखिए SCR क्षेत्र में त्रिशूल की लंबाई 3 मालगाड़ियों के बराबर है और इसमें 170 डिब्बे हैं और इस मालगाड़ी ने अपना सफर विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से पूर्वी तट रेलवे के खुर्द मंडल तक के लिए शुरू किया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, किसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है अर्थशास्त्र में? देखिए तीनों जीता है दोस्तों, इस बार 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड ठीक है और जसवा डी एंग्रिस्टो को भी दिया गया है, गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को भी। क्या क्या नाम है दोस्तों जिसे अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है? डेविड कार्ड, जसवा डी एंग्रिस्टो और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, अबोल हसन बनी सदर का निधन हो गया, वे किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों? वे बता दीजिए, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ईरान के थे प्रथम राष्ट्रपति, ईरान के। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को किया गया है। मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? AK गोयल बने हैं। किस कंपनी ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन हासिल किया है? तो ये होगा दोस्तों अदानी समूह ने किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार के आयुध निर्माणी बोर्ड OFB को 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई में पुनर्गठित करने के लिए कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपकरणों की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल A नंबर 7, कितने? 7।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है दोस्तों 101वां स्थान है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को दोस्तों। भारतीय कॉर्पोरेट्स में फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है दोस्तों शीर्ष स्थान हासिल। नेक्स्ट, किस कंपनी ने UFIWL यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत किया है? किस कंपनी ने? तो ये किया है दोस्तों BPCL ने किया है, BPCL ने। किस नगर निगम ने माई पार्किंग्स नामक एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने किया है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? भारत का पहला शहर है दोस्तों वाराणसी। नेक्स्ट, अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 17वां संस्करण है? तो ये होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए 2021 सी के प्रहलाद पुरस्कार का विजेता कौन है? तो इसके विजेता है माइक्रोसॉफ्ट टीम है दोस्तों। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित इवोटिंग समाधान भारत के किस राज्य ने विकसित किया है? तो किसने विकसित किया है? तेलंगाना ने दोस्तों विकसित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए रितेश चौहान को किया गया है। नवंबर 2021 के मुख्य भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 40वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, याद रखिएगा नई दिल्ली में। भारतीय हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है दोस्तों, ठीक है, संन्यास ले लिया है दोस्तों, ठीक है। और रुपिंदर पाल ने भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए 223 मैचों में कितने गोल किए हैं? 119 गोल किए हैं दोस्तों 223 मैचों में। नेक्स्ट, 500 करोड़ रुपए का हरित ऋण समझौता किन संस्थानों के मध्य हुआ है? 500 करोड़ रुपए का, तो ये होगा दोस्तों NTPC, REL और बैंक ऑफ इंडिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 25 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए। तेलंगाना में ई वोटिंग ऐप के जरिए डाले गए वोट। तेलंगाना सरकार ने COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है और इस ऐप को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया गया है। तेलंगाना सरकार देश में पहली बार स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग सिस्टम के ड्रोन रन की आयोजित किया है दोस्तों, ठीक है। राज्य सरकार के अनुसार इस ऐप का परीक्षण करने के लिए खम्ब जिले में डमी नकली चुनाव कराए गए और इसके लिए इस ऐप पर 18 अक्टूबर तक पंजीकरण किया गया और फिर 20 अक्टूबर को कृत्रिम मतदान का आयोजन कराया गया। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन देखिए, दूसरा खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया है गुलमर्ग में। कहां दोस्तों? गुलमर्ग में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के दूसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो क्या है दोस्तों? -11%। किसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है दोस्तों? नतालिया वोडियानोव को किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCL ने किस ऐप के लिए UPI ऑटो पे सेवा शुरू किए जाने की घोषणा किया है? तो ये होगा दोस्तों गाना, याद रखिए गाना। क्या? गाना। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये होगा यूसुफ पठान ने दोस्तों। T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंत नगर औद्योगिक क्षेत्र को किसके नाम पर रखने की घोषणा किया है? ये नारायण दत्त तिवारी के नाम पर। अफगानिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? तो याद रखिए अहमद शाह अहमदजई का दोस्तों निधन हो गया, अहमद शाह अहमदजई का। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए साकिब अल हसन दोस्तों। फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशील एक्टर्स की सूची में किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? याद कि रेशमिका मंदाना को। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है?
ये कौन बनी है दोस्तों? फातिमा बानो बनी है। पश्चिमी कमान का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? पश्चिमी कमान का लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को, लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वनपुरा का निधन हो गया है? तो ये होगा दोस्तों श्रीलंका, श्रीलंका। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्टैंडर्ड्स चार्टर्ड बैंक पर साइबर सुरक्षा सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है 1.95 करोड़ रुपये, 1.95 करोड़ रुपये। नेक्स्ट, ICC ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है? तो ये होगा दोस्तों यूनिसेफ, यूनिसेफ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को। कब? तो 15 अक्टूबर को। किस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है? तो ये होगा दोस्तों चीन ने किया है, चीन ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी PSU को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 7 को किया है। नेक्स्ट, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान कोम्पासू से प्रभावित हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है फिलीपींस। और ये क्वेश्चन आप लोग दोस्तों आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 2-3 बार ये हो चुका है। क्या खबरों में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन भी बोल देते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये 4 ऑप्शन में से दोस्तों आपको एक आंसर देनी है। नेक्स्ट, सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान रजाबो और हॉलीवुड आइकन मार्टिन स्कॉर्सेस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, इस्तवान सज्जबो हेगेरियन फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने मेफिस्टो वर्ष 1981 नामक फिल्म के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की है और इसके लिए उन्हें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर से नवाजा गया था। नेक्स्ट, मार्टिन स्कॉर्सेस फिल्म इतिहास के सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए सेट नंबर 26 का, किस देश ने दोबारा नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोबारा? तो यह किया दोस्तों उत्तर कोरिया, किया है उत्तर कोरिया। विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किस 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान किया है? तो यह होगा दोस्तों जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस ने 3 भारतीय वंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021 से 22 के लिए अपने फलों के रूप में नामित किया है, फेलों के रूप में नामित किया है? तो ये होगा दोस्तों 19, क्या होगा 19। किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खालिलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये होगा दोस्तों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। क्या नाम है? जलमय खालिलजाद ने दे दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? M. Night श्यामलनन को किया गया है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरा नाम नामक योजना किया है? किस राज्य सरकार ने? तो यह किया है दोस्तों पंजाब ने किया है, पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में किस खिलाड़ी में शीर्ष स्थान हासिल किया, किस खिलाड़ी ने? तो किसने किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा पायस जैन ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरीटा लैक्स किस देश की है? ये है दोस्तों USA की है। जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए संघ का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों वन हेल्थ। क्या नाम है? वन हेल्थ। राष्ट्रीय तटरक्षक पदक यानी पेटीएम या PTM किस सशस्त्र बलों को प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है तटरक्षक बल को। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति अभिनेता विलियम सेटनर ने किस एजेंसी के रॉकेट जहाज पर यात्रा किया है? तो ये होगा दोस्तों ब्लू ओरिजन पर किया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है? तो यह किया गया विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, विश्व दृष्टि दिवस 2021 का विषय क्या है? क्या है दोस्तों? तो अपनी आंखों से प्यार करें, अपनी आंखों से प्यार करें। किस स्थान से नोवेल पैथोजेंस यानी सेगो पर उत्पादित के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया गया है? तो यह होगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखा प्रतिनिधियों और किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू किया है? तो ये होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। भारत को 2022 से 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति किया गया है। भारत इस परिषद के सदस्य के रूप में 10वीं बार चुना गया है दोस्तों। कौन सी बार? तो ये 6ठी बार चुना गया है, 6ठी बार। नेक्स्ट है, संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो यह है दोस्तों चीन और रूस के बीच। नेक्स्ट, चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 IPL का खिताब जीता है। अब तक CSK ने कुल कितनी बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया है दोस्तों? तो याद रखिए 4 बार किया है CSK ने, चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट, सेबी ने निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन है? इस समिति के प्रमुख है दोस्तों विजय सिंह डांगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 27 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान और तुर्की के बारे में। क्या पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है दोस्तों? FATF ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल किया, और तुर्की के अतिरिक्त जॉर्डन और माली को भी ग्रे सूची में शामिल किया है, जबकि बोत्सवाना और मॉरिशस को सूची से हटा दिया गया है। ग्रे लिस्ट उन देशों को रखा जाता है जिन पर टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने या इनकी अनदेखी का शक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी का पहला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने दोबारा नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो यह होगा दोस्तों उत्तर कोरिया ने किया है, उत्तर कोरिया ने। नेक्स्ट, विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। मेरिलेवन क्रिकेट क्लब MCC ने किन दो भारतीय खिलाड़ियों को मरद आजीवन सदस्यता प्रदान किया है? तो ये किया है दोस्तों जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को किया है। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलों के रूप में नामित किया है? तो ये किया है दोस्तों 19, कितने? 19 को किया है। किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खालिलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खालिलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये होगा दोस्तों अफगानिस्तान। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे याद रखिएगा M. Night Shyamalan को। किस राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम नामक योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पंजाब सरकार ने दोस्तों, पंजाब सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये होगा दोस्तों याद रखिए पायस जैन ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरिटा लैक्स किस देश की है? हेनरिटा लैक्स ये USA की है दोस्तों। जीवाणु और वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किए गए संघ का नाम क्या है? तो इसका नाम है वन हेल्थ। राष्ट्रपति तटरक्षक पदक पेटीएम किस सशस्त्र बल को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल ए नंबर, तटरक्षक बल को। अंतरिक्ष में अब तक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति अभिनेता विलियम सिटनर ने किस एजेंसी के रॉकेट जहाज पर यात्रा किया है? अभी जस्ट चर्चा किए ब्लू ओरिजन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया है? तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल विशाखापत्तनम। विश्व दृष्टि दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय दोस्तों अपनी आंखों से प्यार करें। किस संस्था ने नोवेल पैथोजन यानी सेगो पर उत्पत्ति के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोरखा प्रतिनिधियों और किस राज्य सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, भारत को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति किया गया है। भारत इस परिषद के सदस्य के रूप में 10वीं बार चुना गया है। ये होगा दोस्तों 6ठी बार चुना गया, 6ठी बार। नेक्स्ट, संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन और रूस। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 IPL का खिताब जीता है। अब तक CSK ने कुल कितनी बार IPL ट्रॉफी पर कब्जा किया है? ये तो दोबारा आया दोस्तों चार बार।
नेक्स्ट सेबी ने निपटान आदेश और अपराधों के कंपाउंडिंग पर चार सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति के प्रमुख कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो विजय सिंह डांगा है, विजय सिंह डांगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सेट नंबर 28 का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जापान के माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इसके बारे में देखिए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी या देखिए JMA के अनुसार दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूसू क्षेत्र में स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी पर प्रशासन ने ज्वालामुखी में विस्फोट की पुष्टि किया है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार ज्वालामुखी की राख क्रेटर से 1 किलोमीटर से अधिक दूर तक फैल गई और लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई तक पहुँच गई है। दोस्तों जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के माउंट एसो के ज्वालामुखी चेतावनी स्तर को 5 के पैमाने से बढ़ाकर 3 कर दिया है दोस्तों। और माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी में से ये दोस्तों एक है, याद रखिएगा। अब इसका देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने हेतु निविदा जारी की है? तो ये होगा दोस्तों दिल्ली, दिल्ली। भारत ने किस देश के साथ खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता किया है? तो ये होगा दोस्तों रूस, क्या हो जाएगा? रूस। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये होगा बिल्कुल मध्य प्रदेश ने निर्णय लिया है दोस्तों, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो यह होगा दोस्तों 5,000 रुपये। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर कितने करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है फेसबुक पर? तो 6.94 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 1 करोड़ रुपये का। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमित रस्तोगी को दोस्तों, अमित रस्तोगी। नेक्स्ट, 7वीं G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट 2021 कहाँ आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है दोस्तों रोम में, कहाँ? तो रोम में। नेक्स्ट, भारत नेपाल रेल लिंक परियोजना के तहत ब्रॉड गेज रेल ट्रैक के निर्माण हेतु दोनों देशों की सरकारों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और इस रेल ट्रैक का निर्माण किन स्टेशनों के मध्य किया जाता प्रस्तावित है? यह होगा दोस्तों बिल्कुल काठमांडू से रक्सोल। इंडिया आइडियाज शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो फ्रॉम रिकवरी टू, याद रखिए क्या नाम है, फ्रॉम रिकवरी टू रिसजेंस। नेक्स्ट, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में एक नई सिकाडा प्रजाति की खोज किया है? तो ये होगा दोस्तों नागालैंड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा शुष्क क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण का उद्घाटन किया है? तो ये होगा दोस्तों जोधपुर। नेक्स्ट, महिला टेनिस प्रतियोगिता शिकागो फॉल टेनिस क्लासिक 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए गर्बाइन मुगुरुजा ने जीता है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा सहदेव यादव को। नेक्स्ट, सेंडरसन फार्मर्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस गोल्फर ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेम बर्नर्स ने। नेक्स्ट, लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने खादी सूती कपड़े से बनाए विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया और इस ध्वज के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह होगा दोस्तों नहीं है, उसको पहले देख लेते हैं, सी नंबर नहीं है दोस्तों। इस राष्ट्रीय ध्वज का भार लगभग 1100 kg है, यह बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। देखिए, उपराज्यपाल ने लेह में महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसका अनावरण किया है, यह सही है। इस ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है दोस्तों, यह भी बिल्कुल सही है। और यह राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, यह भी सही है। किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डी नंबर, भूपेंद्र यादव ने दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
इंग्लैंड की किस पूर्व महिला क्रिकेटर ने मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये होगा बिल्कुल क्लेयर कॉनर ने। कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ये होगा दोस्तों स्मृति मंधाना बन गई है। नेक्स्ट सेट नंबर 29 का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत इजराइल अमेरिका और UAE संयुक्त आर्थिक मंच के बारे में। क्वाड की तर्ज पर भारत इजराइल अमेरिका और UAE ने आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम स्थापित करने की फैसला किया है। नए फोरम का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे क्षेत्रों पर फोकस करना है। आर्थिक सहयोग के लिए चारों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फोरम के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, समुद्री सुरक्षा पर फोकस किया जाएगा और संयुक्त समूह के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। चार देशों के बीच नए मंच को भारत, इजराइल और UAE के बीच इंडो इब्राहिमिक संधि के तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सीसे लेम्बा ने जीता है। सीसे लेम्बा ने भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? इम्तियाज अली को। दोस्तों किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का निधन हो गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 का B नंबर यानी श्रीलंका। किस राज्य की मौसमी गुफा में जियोरिसा मौसमीनिसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोज की गई है? ये होगा मेघालय। दोस्तों क्या है? किस राज्य की मौसमी गुफा में जियोरिसा मौसमीनिसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है? तो मेघालय। किस मंत्रालय ने परियोजना के क्रियान्वयन में बेंचमार्किंग्स समय सीमा की सुरक्षा के लिए समिति के गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोयला मंत्रालय। भारत और किस देश के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ये होगा बिल्कुल यूएसए। दोस्तों भारत सरकार के नए मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे कार्यभार ग्रहण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों याद कि वाइस एडमिरल अधीर अरोरा को। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रियों का 5वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली संपन्न हुआ और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी ने किस भारतीय कंपनी के साथ $700 मिलियन का समझौता किया है? दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों अडानी ग्रुप। बैडमिंटन प्रतियोगिता पॉलिस इंटरनेशनल 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति अरुण कुमार गोस्वामी किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये होगा दोस्तों छत्तीसगढ़, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, किस देश के पहले राष्ट्रपति रहे अबोलसन बनी सद्र का निधन हो गया है? ये होगा दोस्तों ईरान। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों जल प्रबंधन से, याद रखिएगा जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्वर गठबंधन यानी ISA की वार्षिक आम सभा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चौथा। 15 नंबर है, क्वाइन DCX के फ्यूचर यही है अभियान के सहयोग से क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में उद्यम करने वाली नवीनतम हस्ती कौन बन गई है दोस्तों? आयुष्मान खुराना। सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सेफी किदवई है दोस्तों, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुदूर गांवों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया? प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है किसने शुरू किया है दोस्तों? तो राजस्थान ने शुरू किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत किया है? मोदी वैन की तो किसने शुरुआत किया है दोस्तों? कौशाम्बी। नेक्स्ट, किस जीवन बीमा निगम ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? किसने की है? तो याद रखिएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। किस ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी पर RBI द्वारा 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? यानी यह देखिए कितना, तो 1
देखिए दोस्तों 1.95 करोड़ 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बताइए ये होगा दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक। और इस बुक का लास्ट दोस्तों सेट है, सेट नंबर 30 का पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। नीति आयोग ने भारत का ऊर्जा मानचित्र पेश किया है, इसके बारे में देखिए। नीति आयोग ने भारत का एक भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र पेश किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नीति आयोग के सहयोग से ऊर्जा संबंधी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक व्यापक GIS भौगोलिक के सूचना प्रणाली ऊर्जा मानचित्र विकसित किया है। और यह GIS मानचित्र देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस की कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉकों जैसे ऊर्जा प्रति खानों का चित्रण करता है दोस्तों। और यह मानचित्र देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह एक अनूठा प्रयास है जिसका मकसद कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा आंकड़े को एकत्रित करना और इसे आकर्षक चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करना है। पहला क्वेश्चन है टेनिस प्रतियोगिता सोफिया ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा जैनिक सिनर ने जीता। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा कितने, तो 3%। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 के 43 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए 40वां स्थान। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये दीपिका पादुकोण को बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA ने किसकी अध्यक्षता में सतत धन प्रभाव पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों CK मिश्रा। उत्तर प्रदेश हिंदी संसाधन द्वारा किसे संस्थान के सर्वश्रेष्ठ भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये देखिए पांडीय शशिभूषण सितांशु को किया गया है। नेक्स्ट, भवानी देवी एक भारतीय एथलीट है जो किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये तीरंदाजी में करती है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय रसोईया दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक्चुअली आई मेट देम मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों गुलजार। नेक्स्ट, किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमित रस्तोगी को। नेक्स्ट, गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीत लिया है? बताइए ये होगा दोस्तों चीन। सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल है? बताइए तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल 6। कितने? 6। नेक्स्ट, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो वो शीर्ष पर है दोस्तों दिल्ली और तमिलनाडु शीर्ष पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुधान ग्रोव पट्टिका का अनावरण किया है? इजराइल में दोस्तों। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं याद रखिएगा वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन। नेक्स्ट, किन देशों के समूह ने चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, भारत और इजराइल दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा यानी GFS सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है दोस्तों 71, याद रखिएगा 71। नेक्स्ट, कुंग फू नन ने मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया यूनेस्को के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट, किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किया है? 60 दिनों की, तो याद रखिए इक्वाडोर ने किया है दोस्तों। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पर दोस्तों यह बुक का पूरी अच्छी तरह से दोस्तों जितने भी MCQ क्वेश्चन थी सभी को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों कंप्लीट कर दिए हैं। और इसका हम आंसर दे देते हैं दोस्तों, जिससे आपके मन में जो भी क्वेश्चन को बिल्कुल डाउट होगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा बाद में, तो आप लोग बिल्कुल मिला सकते हैं। और दोस्तों ये 600 क्वेश्चन में कितनी आपकी सही हुई, कितना गलत हुआ
दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हमें इंतजार रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, सबसे खास बात दोस्तों अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखा कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मेहनत का फल जो भी होता है बहुत ही अच्छा होता है, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है दोस्तों। आप मेहनत करते रहिए, फल का चिंता मत कीजिए। जैसा आपका मेहनत रहेगा दोस्तों, जितनी अच्छी तरह से आप मेहनत कीजिएगा, फल भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों मेहनत कीजिए, और बिल्कुल दोस्तों आप सिर्फ जुनून के साथ दोस्तों तैयारी कीजिए, बिल्कुल 100% जॉब मिलेगी दोस्तों। क्यों नहीं मिलेगी, सिर्फ आप मेहनत तो कीजिए, सिर्फ आप दोस्तों एक बार मन तो बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा, मन बनाइए और बिल्कुल जुनून के साथ बैठिए, और एक बार में ही पूरी वीडियो को देख लीजिए। जो भी करना है दोस्तों, तो पूरा क्यों नहीं करना है, पूरा करके ही दम लेना है दोस्तों, ये हमेशा आप याद रखिएगा। बिल्कुल इस तरह दोस्तों अगर आप कीजिएगा तो जुनून के साथ दोस्तों, जिद के साथ, तो 100% जॉब होगी, गारंटी देते हैं हम दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।